विंस लोम्बार्डी स्वेटर। शॉन और रिकी मैकवे नाम के कपल ने थ्रिफ्ट स्टोर से एक स्वेटर खरीदा जिसकी कीमत 58 सेंट थी, लेकिन जब रिकी ने घर आकर उसे देखा तो पता चला कि मौत ने उसमें काट काट कर होल कर दिया था, जिस वजह से उसे बेचा नहीं जा सकता था। जिसके बाद उसने उस स्वेटर को बेसमेंट में रख दिया जिससे कि वो अपने हस्बैंड के पहनने के लिए उसे बाद में सिल देगी। जिसके बाद ये स्वेटर बहुत दिनों तक बेसमेंट में ही रखा रहा और इन दोनों का उस पर से ध्यान हट गया। लेकिन एक दिन जब ये लोग टीवी देख रहे थे तो इन्होंने फेमस फुटबॉल कोच विंस लोम्बार्डी को वही स्वेटर पहने देखा, तो ये लोग फिर से उस स्वेटर को बेसमेंट में लेकर आए और ध्यान से देखा तो पाया कि उसके अंदर एक कॉटन पीस पर लोम्बार्डी लिखा हुआ था। जिसके बाद शॉन इसके बारे में पता लगाने चला गया कि वो स्वेटर लोम्बार्डी का है या नहीं, और तब पता चला कि ये स्वेटर लोम्बार्डी का ही है। और जब इसकी नीलामी की गई तो ये $33,000 का बिका, जो कि इंडियन रुपीज में 35.5 लाख रुपए से भी ज्यादा होते हैं। अ कप एंड अ बाउल। सिडनी के एक शॉपर को 2013 में एक कप दिखा जो कि काफी अनयूजुअल लग रहा था। जब उसने उसकी कीमत पता की तो वो $4 का था, जिसके बाद उन्होंने इसे खरीद लिया। बाद में जब उसने उसकी फोटो खींचकर सोटबीज में भेजा तो उन्होंने बताया कि ये 17 सेंचुरी का चाइना का लिबेशन कप है। और आखिर में राइनो के सींग से बनाया गया ये कप $60,000 का बिका, जो कि करीब 50 लाख रुपए होते हैं। ऐसे ही एक परिवार ने 2007 में कटोरे को $3 में खरीदा, और जब वो उसे घर लेकर आए और रिसर्च की और इसे सोटबीज में लेकर चले गए, उन लोगों ने रिसर्च के बाद बताया कि ये 1000 साल पुरानी डिंग डोंग नाम की एक आइटम थी और उन्होंने इसकी कीमत $2 से $3 लाख बताई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक खरीदार ने इसे नीलामी में इसके $20 लाख देकर खरीद लिया, जो कि 16 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होते हैं। सोचिए जब इन लोगों को पता चला होगा कि ये बाउल इतना कीमती है तो इनका खुशी के मारे क्या रिएक्शन रहा होगा। अ पेंटिंग बॉट फॉर $3। साउथ कैलोरिना के रहने वाले एक शख्स जिनका नाम लेरॉय था, उन्होंने गुडविल से एक पेंटिंग खरीदी क्योंकि उन्हें उसकी फ्रेम बहुत पसंद थी। दरअसल लेरॉय एक एंटिक्स डीलर रह चुका था और उनके हिसाब से वो $50 का था और $3 उसकी कीमत बहुत कम थी, जिस वजह से लेरॉय ने उसे फौरन खरीद लिया। उन्होंने सोचा कि इस ऑयल पेंटिंग को ऑनलाइन बेचने पर इसके अलग से $100 मिल जाएंगे। जिसके कुछ वक्त बाद लेरॉय की डॉटर इन लॉ इस पेंटिंग को एंटिक्स रोड शो में लेकर गई, जहां उस पेंटिंग की कीमत $20,000 से $30,000 लगाई गई, क्योंकि तब पता चला कि ये 1650 की एक फ्लेमिश स्कूल की पेंटिंग है। और आखिर में इसे नीलामी में, जहां इंटरनेशनल खरीदार भी आए हुए थे, वहां ये $1,90,000 में बिकी, जो कि इंडियन रुपीज में 1.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होते हैं। रेयर टी शर्ट। दोस्तों अब इसे देखिए, एक थ्रिफ्ट स्टोर में एक शख्स को ऐसी टी शर्ट मिल गई जिस पर जिस शख्स की पिक्चर बनी हुई थी वो बिल्कुल उसी शख्स में मिल रहा था जिसे ये टी शर्ट मिली। आप देख ही सकते हैं कि उसके ब्राउन हेयर, चश्मा और दाढ़ी बिल्कुल वैसी ही थी। और ऐसे ही एक थ्रिफ्ट स्टोर पर एक लड़के को ऐसी पिक्चर मिली जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे, ये बिल्कुल उस लड़के के जैसी ही थी, बिल्कुल वैसा ही लाल स्वेटर और चश्मा। $26 बैग। दोस्तों इस ब्राउन कलर के बैग को देखिए, इसे रिटायर्ड शेफ जॉर्ज रिचर्ड ने एक चैरिटी शॉप से खरीदा था। एक दिन ये इंग्लैंड में मौजूद ऑक्सफैम के चैरिटी शॉप में घूम रहे थे, तभी इन्हें ये यूथ बैग मिला। इस बैग पर एल्विश की पिक्चर बनी हुई थी जिसमें एंडी वॉरहॉल द्वारा बनाया हुआ प्रिंटेड था। रिचर्ड ने इसे खरीदने का डिसाइड किया, लेकिन रिचर्ड को इसके $20 ज्यादा लग रहे थे, जिस वजह से उन्होंने इस बैग की कीमत को कम कराने के लिए बहुत कहा, लेकिन उन्होंने कम नहीं किया, जिसके बाद उन्होंने उसे उसी कीमत पर खरीद लिया। इसके बाद इसे लेकर वहां करीब में फिलिप ट्रेसी स्टोर पर गए जिससे कि पता चल सके कि क्या ये सच में उन्हीं का है। स्टोर मैनेजर ने इसे देखकर बताया कि ये वही बैग है और ये भी बताया कि इसमें के सिर्फ 10 ही बैग्स को बनाया गया था। जिसके बाद रिचर्ड के पास चाइना से इसे खरीदने के लिए फोन आने लगे और वो इन्हें इस बैग के $5 लाख देने के लिए तैयार थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिचर्ड ने उस चैरिटी शॉप पर इसकी कीमत को कम कराने के चक्कर में इसे छोड़ नहीं दिया, वरना ये इतना कीमती बैग इनके हाथ से निकल जाता। दोस्तों सोचिए किसी का रिएक्शन क्या होगा कि वो किसी चीज को खरीद कर लाए और जब उसे खोल कर देखे तो उसके अंदर से बहुत ढेर सारे पैसे निकले। एक शॉपर ने थ्रिफ्ट स्टोर से एक पुराना पर्स खरीदा और जब उसे खोल कर देखा तो उन्हें मजा ही आ गया, क्योंकि उसके अंदर बहुत से रुपए थे और उस शॉपकीपर ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये पुराने पर्स को खरीदने पर उसे इतना फायदा हो जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स।